वेरी गुड मॉर्निंग, ओम शांति आप सबको। आज आपका 165वें दिन का ईश्वर वरदान, और इसके पहले कि हम वरदान में और गहराई में चले, इस वीडियो को आप देखेंगे जहां पर आपके लिए ही बनाया गया है योगासन। उसके साथ में आपका डाइट के बारे में बताया गया है, सोने की कलाएं और सोने की विधियां भी बताई गई। जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चले आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वरदान में, जहां पर संगठन संगठन को कैसे स्ट्रांग बनाए। एक घर का भी एक संगठन होता है, एक किसी सेंटर का भी एक संगठन होता है, किसी संस्था का भी संगठन होता है, किसी सेवा केंद्र का भी संगठन होता है, कोई एक बिजनेस हाउस होता है उसका भी एक संगठन होता है। तो बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कोई चाहता है कि अपने घर के संगठन को, चाहे वो माता पिता बच्चे हों, सारे हो भाई बहन, उनके बीच का संगठन बहुत अच्छा हो। इसके लिए कहा भी जाता है घर का भेदी लंका ढाए। तो ये घर सिर्फ घर की बात नहीं है, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। देखिए इसको गहराई में परमात्मा क्या समझाते हैं आज हमें। पापा कहते हैं संगठन में एक मत, मतलब कि हर एक की जो सोच हो वो एक हो। आजकल घर में क्या होता है, किसी कोई अपनी इच्छा होती है, किसी कोई अपनी इच्छा होती है। बात ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, बात ये है कि जो सोचा जा रहा है उसमें सबका भला हो, लेकिन जो सोच हो, जो डायरेक्शन हो, उसमें अहंकार होगा तो कोई बात नहीं मानेगा आपकी। तो परमात्मा कहते हैं कि सोच अच्छी है लेकिन बोल अच्छे नहीं है तो भी काम नहीं करता। सोच अच्छी हो, बोल भी अच्छे हो और कर्म भी अच्छे दिखें, तब जाकर कोई आपको कॉपी करना चाहेगा, नहीं तो आपको ढोंगी कहेगा हर कोई। कि सोचते तो बड़ा अच्छे हैं, आइडिया तो बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन जब बुक से बोलते हैं तो कड़वाहट निकलती है तो कौन बात मानेगा आपकी। और इसी कारण से जब एक मत नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कोई आत्मा भी चाहती नहीं है कि आपकी बात को वो क्रोध के कारण माने, या आपकी बात को वो अहंकार है, आप बॉस हो या आप ऊंचे हो इस कारण से माने। वो तब हो पाएगा जब हमारे अंदर नम्रता होगी, धैर्यता होगी, सहनशीलता होगी, मधुरता होगी। ये गुण होंगे तब जाके कोई आत्मा आपसे हाँ से हाँ मिलाएगी, तब संगठन बनता है परमात्मा कहते हैं। तो संगठन में एक मत, हर एक की एक सोच हो, और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति मतलब कि कोई ऊंच नीच ना हो। जैसे देखा जाता है कि किसी को किसी से ईर्ष्या होती है, भाई को भाई के साथ ईर्ष्या हुई, भाई को बहन के साथ ईर्ष्या हुई, बहन को बहन के साथ ईर्ष्या हुई। ये चीज़ अगर हैं घर में या किसी जॉब के एरिया में, किसी बिजनेस में, आपस में ही ईर्ष्या है, हर कोई चाहता है कि वो बॉस की नज़र में ऊंचा है, और बॉस भी अगर मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई मैं ही सब कुछ पालूं, मेरे को हर कोई फॉलो करे, मेरी बात को माने, उसके लिए वो मैनिपुलेट कर रहा है, हर किसी को पूछ रहा है आस पास में कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, अपने लिए कुछ ऐसे गुप्तचर रख रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज में आने से ही आपकी एक रस स्थिति हो नहीं सकती, ना स्वयं की होगी, ना ऑर्गेनाइजेशन की होगी, ना जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे होगी, ना आपके बिजनेस में होगी अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ना ही आपके घर पे हो सकती है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी कमजोरी है, जिस कारण से हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अटेंशन आए, हमारी बात को माने। तो परमात्मा कहते हैं अगर मैं है इसमें भी, तो इसमें नम्रता नहीं है, तो ये वो घर नहीं ठीक से चल सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं चल सकती, ना ही वो आपका बिजनेस ठीक से चल सकता है, कुछ भी ठीक से नहीं चल सकता। तो परमात्मा कहते हैं एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार में चलेंगे। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, नम्रता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन दूसरे ने कहा भी कैसे, नम्रता से कहा तब, प्यार से कहा तब, यानी कि अहंकार से या बॉसीपन दिखा करके कहा कि मैं राइट हूं, मेरी बात ही सुननी चाहिए, तब कोई नहीं मानने वाला आपकी। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड भी उसी को किया, उसी के साथ में किया जाता है। आप किसी की बात तभी मानते हो जब वो आत्मा के अंदर गुण होते हैं, शक्ति होते हैं। तो आप अपने आप को उस जगह पर डालो कि मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, क्या मेरे अंदर वो मधुरता है, स्वीटनेस है, कि मेरे अंदर नम्रता है, कि मेरे अंदर अहंकार है, कि मैं ऑर्डर करता हूँ, करती हूँ, तो जाकर ही आपकी बात मानेंगे। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड, और आपसे स्नेह होगा तभी तो रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। अब सेंटर में भी, ब्रह्म कुमारीज में भी परमात्मा कहते हैं कि अगर आपस में स्नेह है आपके भाई बहनों के बीच में, आप एक दूसरे की बात मानते हो और एक दूसरे की मजाक नहीं उड़ाते हो, एक दूसरे की बात का अहंकार के कारण से
आप उस बात को ना मान करके, नकार करके आप अपने ही चलाते हैं वहां पर। तो परमात्मा तो कहते हैं कि बाहर की आत्माएं भी देख रही हैं ये कमी कमजोरियां, कि आपके आपस में ही क्या है, मिल रहे नहीं है। तो आप औरों को क्या मेडिटेशन सिखाओगे, औरों को क्या खुशी दोगे, औरों को क्या सुख दोगे, औरों को क्या शांति दोगे आप। तो परमात्मा कहते हैं संगठन भी सेवा का स्थान बन जाता है जब आपके आपस में ही क्या होती है, किसी ने कहा आपस में स्नेह है, लेकिन स्नेह होने के लिए अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को रिगार्ड देके चलना, एक दूसरे के अंदर गुण है हर एक को दिए परमात्मा ने, उनको देख करके चलना, ना कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। ये चीज करने से कभी भी सेंटर में भी वो वातावरण, वो एटमोसफियर, वो वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी नहीं रहेंगी, ना ही आपके घर में रहेंगी, ना ही आपके जॉब प्लेस में रहेंगी, ना ही आपके बिजनेस प्लेस में रहेंगी। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, अगर आपस में चार लोग हैं फैमिली वाले, हर एक का आपस में क्या है, मन मुटाव है, किसी को लगता है कि मेरी बात सही होनी चाहिए, मेरे को कोई मानता ही नहीं, मेरी कोई बात मानता नहीं है, उसका अहंकार है, मैनिपुलेशन कर रहा है वो बच्चा या वो माँ या वो बाप जो भी कर रहे हैं, और वो मैनिपुलेशन के कारण वो चाहते हैं कि वो फुलफिलमेंट महसूस हो उनको, कि मेरी बात मानी तो मेरे को खुशी हो। परमात्मा कहते हैं ये भी एक कमी कमजोरी है, आपके अंदर खोखलापन है कि आप चाहते हो कि औरों से कुछ मिले। तभी परमात्मा कहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, परमात्मा से ही सब कुछ लेना है, औरों से सारी इच्छाएं छोड़ देनी है, तब जाकर के भी घर ठीक चल पाएगा, ऑफिस ठीक चल पाएगा। अगर आप सोचो बॉस को ये इंपॉर्टेंस चाहिए हमेशा, वो इंपॉर्टेंस चूसता रहे लोगों से, चूसता रहे लोगों से, तो जाकर के क्या होगा। अगर आप बॉस हैं, अगर आप अपने घर के बुजुर्ग हैं, और अगर आप ही चाहते हैं कि मेरी बात माने और आपको उससे सिर्फ खुशी मिलती है, और आप कुछ भी तरीके निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं ताकि लोग आपकी बात माने, ताकि आप अंदर से सेटिस्फाई फील करो, परमात्मा कहते हैं वो बहुत बड़ी कमी कमजोरी है, जिस कारण से आपके घर में अशांति, आपके नौकरी में अशांति है, आपके संगठन में, टीम में अशांति, आपका टीम ठीक से काम नहीं कर पा रही। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो परमात्मा कहते हैं जहां माया देखती है किसी के अंदर, हर एक के अंदर माया है ना, हर एक के अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, इसको तो माया कहते हैं परमात्मा। जहां माया देखती है, जो बाहर से कोई व्यक्ति आया आपके सेंटर में, आपके घर में आया या आपके जॉब प्लेस में आया, देखता है आपस में ही नहीं बन रही इनकी, तो उसको अंदर से हंसी आती है, अंदर उसके माया जागृत हो जाती है, उसके अंदर नेगेटिविटी जागृत हो जाती है देख करके। तो जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, अरे इनके अंदर तो कोई आपस में कोई अहंकार नहीं है, किसी के बीच में कोई ईर्ष्या घृणा नहीं है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती, तो वो व्यक्ति भी ट्राई ही नहीं करेगा कि इनके अंदर मैं फूट लेके आऊं आपस में। किसी परिवार में आपस में बनती नहीं है, वो व्यक्ति देख लेता है अरे इसको बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए, इस व्यक्ति को थोड़ा ऊपर चढ़ाओ तो ये अपनी बात मान लेगा और सबको धोखा दे देगा। यही तो होता है, घर टूट जाते हैं, क्यों, अंदर कमजोरी है, परमात्मा से लिंक टूटा हुआ है सबका, और एक दूसरे से ही बस चाहते हैं महत्वता चाहते हैं, एक दूसरे से इंपॉर्टेंस खींचना चाहते हैं, तो बस वहीं पर खेल खत्म। घर में कोई एक भेदी हो गया, गेम खत्म। वो भेदी तब नहीं होता जब आपस में स्नेह होता है और हर कोई परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप। घेराव है तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस, एक मत परमात्मा की, एक मत पे हर कोई, अगर फैमिली का चले या आपके बॉस चले और आपके सबॉर्डिनेट्स हर कोई चले भगवान के अनुसार चले, तो आपके वो जॉब में भी शांति, आपके घर में भी शांति, एक मत होगी, ईर्ष्या घृणा नहीं होगी, हर कोई एक समान होगा, उम्र देख करके नहीं होगा, आत्मा के गुण देख करके एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं एक मत होगी और एक रस स्थिति के संस्कार ही जो है सतयुग। सतयुग मीन्स हेवन ऑन अर्थ, घर में ही स्वर्ग, सत्ययुग, ऐसा युग जहाँ पे सत्यता है, जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो इम्पोर्टेंस चाहता है, वो कभी सत्य होगा, वो होगा ही नहीं, तो उस घर में ना सत्य होगा, ना उस जॉब में सत्य होगा, जॉब प्लेस में सत्य होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सत्य होगा, कहीं भी बिजनेस में भी सत्य हो ही नहीं सकता। संस्कार ही सत्ययुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं, ये संस्कार होने बहुत जरूरी है। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आप बहुत गहराई से सोचिए इसके बारे में, कि मेरे अंदर तो कमी कमजोरी नहीं है, कहीं मैं मैनिपुलेट तो करता करती नहीं हूँ, कहीं मेरे को औरों से इंपॉर्टेंस चाहिए, क्या मेरे अंदर वो खालीपन है, क्या मैं भूखी आत्मा हूँ जो कि औरों से इंपॉर्टेंस पाने के लिए उनको मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा करके काम करवाती हूँ। तो ना एक मत होगी, दूसरे वाले देखेंगे अरे इसके अंदर कमजोरी है, इसको चलाओ, इसको थोड़ा ऊपर उठाओ, इसकी ईगो को थोड़ा सा और सहलाओ अच्छे से, इसको करो ऐसे, तब ये बात मानेगा या मानेगी और हमारा काम निकल जाएगा। यही तो गड़बड़ है, यही तो धोखा नहीं मिलता है। तो
आज का ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, शांत रहें, खुश रहें। ओम शांति।